स्टूडेंट टुडे वी सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट. ओके सो सी वी ऑलरेडी सी दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन दैट दिस पोर्शन विल बी ऑलरेडी कवर्ड दैट इज़ द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट. ओके एंड टूडेज लेक्चर वी कवर द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट. ओके So see, this is the absolute instrument explanation. The first point is that the instruments which give the magnitude of quantity being measured in terms of constant of the instrument are called as a absolute instrument. Okay, यहाँ पे क्या होता है, जो भी instrument है उसका जो क्या है, magnitude है, क्वांटिटी है, वो क्या रहेगी, आप जो मेजर्ड करेंगे. ओके वो इन द कांस्टेंट फॉर्म में रहेगी, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मेजरमेंट. ओके सेकंड पॉइंट है, देखो इन मेजरमेंट प्रोसेस फिजिकल इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट्स. द फिजिकल इफेक्ट्स आर मेजर्ड बाय सम अरेंजमेंट. यहाँ पे जो भी हम मेजरमेंट्स लेंगे वो सब क्या करेंगे, हम लोग उसके सब अरेंजमेंट्स करेंगे, फिजिकल इफेक्ट्स उसमें ऐड करेंगे, तभी हम लोग इसका मेजरमेंट ले सकते हैं. ओके फॉर एग्जांपल दिया है उन्होंने, रिलेइंग करंट बैलेंस इन विच द करंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड पैरामीटर्स ऑफ द. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस. ओके फर्स्ट है, देखो दिस इंस्ट्रूमेंट रीड द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट इनडायरेक्टली. हम जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसमें जो भी मेजरमेंट होता है हम लोग इनडायरेक्टली लेते हैं, मीन्स इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन, डिग्रीज और मीटर कॉन्स्टेंट में. ओके सेकेंडरी में क्या होता है, देखो फर्स्ट पॉइंट द इंस्ट्रूमेंट रीड द क्वांटिटी अंडर द मेजरमेंट डायरेक्टली. हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मेजरमेंट है डायरेक्टली हम ले सकते हैं, वो किसके हेल्प से, एमीटर के हेल्प से या फिर कोई भी मीटर्स है, जैसे कि वोल्ट मीटर के हिसाब से हम लोग ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट ले सकते हैं. ओके सेकेंड पॉइंट देखो एब्सोल्यूट का एग्जांपल्स दिए हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, करंट बैलेंस मीटर. ओके और सेकेंडरी में दिए हैं मीटर कॉमनली यूज्ड इन लैब, जो भी हम लोगों ने लैब में यूज़ किए, देखो एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और एनर्जी मीटर, ये सब किस में आएंगे, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में. ओके तो ये जो है इमेज, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है. ओके इसको इनडायरेक्टली हम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसकी भी अरेंजमेंट रहेंगी. ठीक है यहाँ पे नॉब दिए हैं, वो सब अरेंज करके हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं. ओके और ये है एमीटर, ऑलरेडी आप लोगों ने जो है लैब प्रैक्टिकल में देखा होगा, इससे हम लोग जो है करंट मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालॉग. ओके एनालॉग करंट जो है मेजर कर सकते हैं. ओके और ये है वोल्ट मीटर, ये भी आप लोगों ने लैब में देखा होगा, इसके हेल्प से हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, वो भी एनालॉग. ओके और ये है डिजिटल DMM डिजिटल मल्टीमीटर, इसके हेल्प से हम लोग वोल्ट मीटर मीन्स वोल्टेज और करंट भी मेजर कर सकते हैं. ओके ये भी आप लोगों ने लैब में देखा होगा. नेक्स्ट जो है देखने वाले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर द इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. ओके दो कैटेगरी है उसमें, एक है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके तो इसमें से हम लोग ये दोनों आज देखने वाले हैं. ओके सो सी द फर्स्ट इट इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू मेजर द डिफरेंट क्वांटिटीज. ओके जो भी ये इंस्ट्रूमेंट है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग मेनली कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ करते हैं, वो क्या मेजर करेंगे, डिफरेंट क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं. ओके सेकेंड देखो, इन सम प्रोसेस द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड
डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, यहाँ पे जो भी हम मेज़रमेंट लेते हैं उसमें से कुछ कुछ प्रोसेस ऐसी है कि मेज़रमेंट जो है वो चेंज नहीं होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और कुछ ऐसे होते हैं और इट चेंज वेरी स्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. कुछ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो सकते हैं. इन सच केसेस द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर कंसिडर्ड. तो ये सब जो है, जो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो किस में आएंगे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे. ओके, नेक्स्ट है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स. उसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, इन सम प्रोसेस द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड चेंजेस रैपिडली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मीन्स इसमें क्या हो रहा है, जो भी हम लोग क्वांटिटी मेजर्ड कर रहे हैं वो क्या होगी, रैपिडली चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, इन सच केसेस डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर कंसिडर्ड. इन सबको हम क्या बोलेंगे, जो भी रैपिडली चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम केस से, वो होते हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ओके, सेकेंड देखो क्या है पॉइंट इसका, द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक रेफर टू द कंपेरिजन बिटवीन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट एंड आइडियल आउटपुट वेन इनपुट इज चेंजेस. डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है, किसके लिए वो मीन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंपेरिजन करता है वो जो भी अपना आउटपुट है और जो आपको आइडियल आउटपुट पता है, उन दोनों में जो भी कंपेरिजन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों कंपेरेटिवली रेफर कर सकते हैं जब भी आपका इनपुट क्या होगा, चेंज होगा. ओके, सेकेंड है, थर्ड है देखो, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब द डायनामिक बिहेवियर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके, डायनामिक जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोग अगर मैथमेटिकली आपको देखना है तो उसके उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो टुडेज टॉपिक विल बी एंड. So thank you.